अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम टीचर आयशा फ्रॉम दरियातम स्कूल डीएच स्टेट ब्रांच। स्टूडेंट आई होप यू विल फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम टेलिंग नेक्स्ट क्लास ऑफ प्ले ग्रुप उर्दू रिटन पेज नंबर 37 पीजी क्लास। ओपन योर उर्दू वर्ड बुक पेज नंबर 37। ओपन योर उर्दू वर्ड बुक पेज नंबर 37। हम पहले कर चुके हैं, आज हम रिवीजन करेंगे। जैसे मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी आपने एज इट इज वैसे ही करना है, ठीक है। ओके, लुक एट द बोर्ड। तस्वीर की शुरू की आवाज दिखें। सबसे पहले हम तस्वीर क्या लगाई है, रिक्शा। रिक्शे की शुरू की आवाज़ क्या है, रे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रे को राइट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए रे। नेक्स्ट क्या है, जुबान। जुबान की शुरू की आवाज़ क्या है, जे। जेजा जुबान, तो हम यहाँ पे जे को राइट कर देंगे, जे के ऊपर वन डॉट। नेक्स्ट क्या बना हुआ है, डंडा। डंडे का फर्स्ट वर्ड क्या है, ये शुरू की आवाज़ क्या है, डाल। डाल डा डंडा, तो हम यहाँ पे डाल को राइट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, खरबूजा। खरबूजे का फर्स्ट क्या है, यानी शुरू की आवाज़ क्या है, खरबूजे की, खे खा खरबूजा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, खे को राइट कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने बिल्कुल एज इट इज ऐसे काम करना है, शुरू की आवाज़ें लिखनी है, ओके। पीछे क्लास हमने डन कर लिया है। मैं आपको नोट कॉपी पर दिखाऊंगी हमने किस तरह से नोट कॉपी रेडी कर लिया, आपने उसके ऊपर ही सारा काम डन करना है, ओके। पीछे क्लास ये देखिए मैंने कॉपी को ऐसे रेडी किया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेट मेंशन करनी है, लिखना है घर का काम और यहाँ पे डे भी मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपने लिखना है तस्वीर की शुरू की आवाज़ और यहाँ पे इस तरह जबान, रिक्शा, डंडा और खरबूजा आपने बना के यहाँ पे जो है लिखना है और होमवर्क करना है। नीट नीट वर्क होना चाहिए, पिक्चर्स आपकी नीट होनी चाहिए, अच्छे हो तो आप कलर्स भी कर लें तो आपका ये वर्क जो है अच्छा अच्छा हो जाएगा, ओके। पीछे क्लास नेक्स्ट डायरी मैथ वर्क बुक पेज नंबर 30 हम ये भी राइट कर चुके हुए हैं और पहले पढ़ चुके हुए हैं, अब हम रिवीजन करेंगे। पेज नंबर 30 कॉन्सेप्ट ऑफ लेस, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैं आपको आज अगेन बताऊंगी और उसके बाद आपने इसको कॉपी पर राइट करना है और ये पिक्चर भी आपने कॉपी पर बना के होमवर्क करना है, ओके। पीछे क्लास ये देखिए मैंने आपकी कॉपी रेडी की हुई है, आपने सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, उसके बाद ऐसी कॉपी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेस का हम रिवीजन कर रहे हैं, आपने देखना है इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा लेस है उसके ऊपर टिक लगा देना है और नीचे भी ऐसे देखना है कौन सा लेस है आपने उसके ऊपर टिक लगा देना है, ओके। पीछे क्लास डायरी कम्युनिकेशन ए पेज नंबर 63 लर्न, ये आपकी मैथ की वर्क बुक में है। ये देखिए पीछे क्लास मैथ की वर्क बुक में आपकी कम्युनिकेशन ए है। हम कम्युनिकेशन ए में देखेंगे आज न्यू वर्ड हमारा एनिमल्स नेम। हम एनिमल्स नेम को हम रीड आउट करेंगे और साथ आपने इसके अंदर कंटिन्यू करनी है और इनके नेम्स को अच्छे से याद करना है, ओके। ये देखिए एनिमल्स नेम मैं आज आपको रीड आउट करवा देती हूँ, ये क्या बने हुए हैं, शीप, टाइगर, जिराफ, कैमल, डोंकी, ये 5 नेम्स हैं एनिमल्स के, आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है टाइगर लिव इन जंगल और होम, टाइगर कहाँ पे रहता है आपने देखना है और उसके ऊपर आपने टिक कर देना है, ओके। पीजी क्लास नेक्स्ट आईडी सीएस क्वेश्चन नंबर 5 लर्न, ये आपकी इंग्लिश की वर्ड बुक में है। ये देखिए इंग्लिश की वर्ड बुक ओपन करें, फर्स्ट पेज पे आपका होगा कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। हम 1-4 जो है हम रीड आउट कर चुके हैं, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करना है। व्हाट विल यू से इफ समवन इज बॉदरिंग यू, जब हमें कोई तंग कर रहा होगा या डिस्टर्ब कर रहा होगा तो आपने कहना है ही इज बॉदरिंग मी, अगर बॉय होगा तो आपने ही कहना है, अगर गर्ल है तो आपने शी कहना है, ही इज बॉदरिंग मी या शी इज बॉदरिंग मी, ओके। पिछली क्लास में स्टडी सामिया सवाल नंबर 5 और 6 ये आपने याद करना है, ये आपकी उर्दू की पढ़ बुक में है। ये देखिए फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, उसके बाद सेकंड पेज टर्न करेंगे तो वहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 1-4 हमने रीड आउट कर लिया हुआ है, 5 और 6 हमने लर्न करना है आज। कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है, सूरत अन्नास, सूरत अन्नास। कुरान मजीद में कितने पारे हैं, 30 पारे हैं। अब हमने 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने रीड आउट करने हैं, उनको अच्छे से लर्न करना है, ओके। पीजी क्लास हमारी आज की डायरी है वो कंप्लीट होगी हुई है, आपने सारी डायरी को अच्छे से लर्न करना है और इनको रिवीजन में रखना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो लर्न रहे, ओके। पीजी क्लास बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।